Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from E-Times TV. Sailee, welcome to E-Times TV. How are you? I'm very good. How are you? I am good. I'm good. Thank you. And, you know, just 2 days away from finale, kaisa lag raha hai? Excitement, nervousness, promos, bahut sare out ho chuke hain. Kya kehna hai aapko? Bahut hi zyada excitement hai. And ये जो फिनाले होने वाला है, इट्स गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री. मतलब शायद ही अभी ऐसा सब हिस्ट्री ब्रेक करना बहुत टाइम बाद होगा, तो मैं उसका एक पार्ट हूँ छोटा सा, इसलिए मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है. बिकॉज यू नो 12 घंटे का फिनाले कभी अभी तक हुआ नहीं है. एक्चुअली ये सीजन हिस्टोरिक रहा है बिकॉज लॉन्गेस्ट रनिंग सीजन एवर है ये. yes. पूरे रियलिटी शोज के इतिहास में, तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा खुशी होती है कि हम इसका पार्ट है. एंड अगर आपको अपनी यू नो जर्नी इस शो पे डिस्क्राइब करनी है, व्हाट डू यू वांट टू से? जैसे आपने कहा दिस हैज बीन अ वेरी लॉन्ग शो, तो आप लोगों ने इतने सारे बॉन्ड्स बनाए, इतने सारे मोमेंट्स रहे होंगे. व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट योर जर्नी ऑन द शो? एक्चुअली हुआ ऐसे कि बॉन्ड्स कभी बनाए नहीं, बॉन्ड्स बन गए. इसीलिए वो ज्यादा पसंद किया लोगों ने. जी ये जर्नी जो है वो मेरी एक अलग सायली शुरू हुई थी, अलग सायली करके हुई थी. और अभी जो मैं खुद को देखती हूँ, आई ऑलवेज फील कि मैंने ये जर्नी में खुद को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया है. मतलब और बहुत बहुत मैं खुद में चेंजेस देखती हूँ. और एक होता है ना कि हम लोग खुद को एक्सप्लोर करते जाते हैं कि हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं जो भी. मतलब जब भी शो शुरू हुआ था तो आई यूज टू गेट वेरी नर्वस, और यू नो एकदम पेट में कुछ होता था या फिर हार्ट बीट अचानक से फास्ट हो गई है, बहुत पसीना आ रहा है स्टेज पे जाके, ऐसे सब गला सूख जा रहा है. पर उसके बाद धीरे 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 करके ऐसे हुआ कि मैंने ये सोचा कि ये जजेस सामने बैठे हैं या फिर ये सब सिर्फ मेरे लिए है. मतलब उनका काम मुझे जज करना है ही नहीं, वो मुझे एंजॉय करने आए हैं, ऐसा सोच के. मतलब जब भी हम लोग दोस्त के सामने गाते हैं तो वही गाना अच्छा होता है, और स्टेज पे जाते हैं तो क्यों नर्वस होते हैं, तो हमेशा ऐसे होता था. पर जब भी मैंने ये खुद को समझाया कि नहीं, ये जजेस है जो अपने ही है, बिकॉज जजेस भी हमेशा हमसे आके बात करते थे, हमें मोटिवेट करते थे, तो फिर धीरे धीरे करके ऐसे हुआ कि खुद एंजॉय करने लगी मैं मेरे परफॉर्मेंसेस. मतलब डरने के बजाय मैं खुद एंजॉय करने लगी और सबसे ज्यादा मजा आने लगा. और जैसे आपने बोला कि बॉन्ड्स बनाए नहीं, बन गए, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन से लोगों के साथ रहे हैं आपके, और जिनको आप लाइफ टाइम चेरिश करने वाली हो? मेरे हिसाब से तो निहाल और मेरा जो बॉन्ड है वो बहुत ही ज्यादा एक सुंदर बॉन्ड में मानती हूँ, बिकॉज वो मेरा भाई जैसा ही है. जब भी मैं उसे फर्स्ट टाइम मिली थी तो मुझे पसंद नहीं आया था वो इतना, बिकॉज यू नो वो बात नहीं करता था, और मुझे लगता था कितना एटीट्यूड है ये लड़के में, बिकॉज वो उसके बाल से ही उसका मुंह पूरा ढक जाता था, उसके बाल इतने लंबे थे, तो उसके मुंह पे एक्सप्रेशन क्या ये पहले समझ में नहीं आ रहा था. पर वो पहले किसी से मैंने इतना बात करते हुए नहीं देखा, डायरेक्ट आके चला जाता था कहीं से भी, तो ऐसे था वो. पर उसके बाद धीरे धीरे जैसे मैं उसको जानने लगी तो समझा कि नहीं, ये लड़का बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है, ऐसा है निहाल, तो बहुत ज्यादा अच्छा है वो. एंड अगर म्यूजिकल जर्नी की बात करें, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस शो में सायली? इतने सारे गेस्ट आए, उन्होंने इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए, तो पहले तो मुझे एक्सपीरियंस बताइए, और दूसरा आपके कौन से मेमोरेबल मोमेंट्स रहे हैं इस शो से जो आपके साथ जिंदगी भर रहने वाले? म्यूजिकली तो ये मुझे बहुत रिच करने वाला एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज यहाँ आने से पहले भी म्यूजिकली मतलब मुझे लगता है मतलब हम लोग हर दिन कुछ अलग सीख रहे हैं, बिकॉज 10 दिन हो गए और हम लोग हर दिन हमारा रियाज होता है. तो अगर आप जितना रियाज करोगे, आप जितना खुद को समय दोगे, आप उतना ही बेटर होते जाओगे, मुझे हमेशा से ऐसे लगता है. या हमारे जो म्यूजिक कोचेस है, मतलब पहले गाना सुनने का तरीका और अभी गाना सुनने का तरीका बहुत ज्यादा चेंज हो गया मेरा. मतलब पहले जब भी गाना सुनते थे तो गाने की एकदम बारीकियां फटक से नहीं दिखती थी, पर अभी वो बहुत सारा चीजें नोटिस होती है. मतलब गाना नॉट ओनली द यू नो द वर्ड्स, बट बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, यू नो अरेंजमेंट क्या है, M1 कैसे, मतलब म्यूजिक पीसेस कैसे बजे हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स बजे हैं, ये सब बारीक बारीक चीजें हैं जो अपने आप नोटिस हो जाती है. तो ऐसे म्यूजिकली बहुत बहुत कुछ सीखने मिला.
अगर मेमोरेबल मोमेंट्स की बात करें तो कौन से मोमेंट्स हैं जो आपके दिल के हमेशा खास रहने वाले? मोमेंट्स की बात की जाए तो आशा जी इंडियन आइडल में आई थी और मैं आशा जी की सिर्फ फैन नहीं हूँ, मैं उनके भक्त हूँ, मतलब मैं उनकी पूजा करती हूँ ऐसा, इतना मुझे वो पसंद है। और मैंने मेरे पूरे आइडल की जर्नी में ऑलमोस्ट 60% आशा जी के गाने गाए हुए हैं, तो वो जब ये आ रही है ये मुझे समझा, तभी मैं पूरा मतलब रोने ही लगी कि मतलब वो सामने रहेंगी तो कैसे होगा। तो वो जब ही सामने आई थी तो मेरा हिम्मत ही नहीं हो पा रहा था कि मैं उनके सामने गा पाऊँ, फिर मैंने गाया, उसके बाद उन्होंने आशीर्वाद के रूप में उनके हाथ के छाप मुझे दिए थे जो मैंने अभी प्रेम भी किया है, तो वो मेरे लिए बहुत ही बढ़िया दिन था। और वो जो मोमेंट था जब वो मेरे उनके हाथ के प्रिंट्स मुझे दे रही है वो बहुत ज्यादा बेस्ट था। जैसे आपने कहा कि आशा जी आपकी आइडल रही हैं और यू नो बचपन से आपने उनको भगवान की तरह उनको माना है, मुझे बताइए कि अगर इनके अलावा अगर फ्यूचर में आपको जाके किसी के लिए गाना हो, किसी के लिए प्लेबैक करना हो, तो कौन कौन से एक्ट्रेसेस या कौन से म्यूजिशियंस के साथ, कंपोजर्स के साथ आप काम करना पसंद करेंगे? मेरी जो फेवरेट एक्ट्रेस है माधुरी दीक्षित, उनके लिए, या फिर दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, ये सभी जो है जो अभी बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, उन सभी के लिए मैं गाना चाहूंगी। और म्यूजिक कंपोजर्स तो बहुत बहुत अच्छे अच्छे हैं, रेख रहमान साहब, उसके बाद विशाल शेखर, हिमेश रेशमिया, ये सभी जो म्यूजिक डायरेक्टर्स है उनके साथ मैं डेफिनेटली कोलैबोरेट करके और कुछ मतलब उनके साथ उन्होंने बनाया हुआ जो कंपोजिशन है वो गाना चाहूंगी। एंड जैसे अपने शुरुआती इंटरव्यू में आपने कहा कि निहाल के साथ आपका एक स्पेशल बॉन्ड है, आपके भाई जैसे हैं, लेकिन यू नो जब आपके प्रोमोज आए थे तो उसका काफी गलत मतलब निकाला गया, काफी लोगों ने आप लोगों को लिंक वगैरह भी किया, लेकिन जब मेरी लास्ट टाइम निहाल से भी बात हुई थी तो उसने बोला कि साइली मेरे लिए बहन नहीं है, मेरे लिए भाई है वो मेरा, मतलब वैसी बॉन्डिंग है हम दोनों की, तो क्या कभी दोस्ती में उस चीज ने इफेक्ट किया जब आप लोगों ने रिपोर्ट्स पढ़ा और लोग आप लोगों को लिंक अप कर रहे थे? नहीं, एक्चुअली ना हम दोनों इतना ज्यादा एक दूसरे से अटैच्ड है और इतना म्यूजिकली कनेक्टेड है कि ये सब चीजें मैटर नहीं करती, बिकॉज होता है कि लोग जब भी देखते हैं तो लोगों का देखने का हर एक का नजरिया अलग अलग है, हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है, लोगों को अगर पता नहीं है हमारा रिलेशन क्या है तो मतलब यूजुअली ऐसे ही होता है कि जब भी एक लड़का लड़की देखते हैं तो कोई भी लोग वही दृष्टिकोण से अधिकतर देखते हैं, तो इफेक्ट तो कुछ नहीं हुआ था। हम लोग तो जब भी मैंने ये न्यूज देखा हम दोनों तो इतना हंस रहे थे, इवन मेरे मम्मी पापा भी लोग हंस रहे थे कि अरे ये क्या है, पर उससे कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। हम लोग तो बहुत उसके बाद तो हम लोग और क्लोज आ गए और हम लोग और यू नो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बहुत ज्यादा क्लोज आ गए। यस यस यस। एंड टॉकिंग अबाउट इंडियन आइडल 12, इंडियन आइडल 12 के साथ बहुत सारे आप लोगों को तारीफ मिली, काफी सारे गेस्ट आए जिन्होंने आपकी तारीफ की होगी, कौन सी एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट है शो में जो आपको मिला जो आपके साथ जिंदगी भर रहने वाला? नहीं, आशा जी ने जब भी वो आई थी, आशा जी का ही मैं बोलूंगी, तो उन्होंने, मैंने जो उनका गाना गाया था उन्होंने मुझे बोला था कि आपने ये गाना चुना, हैट्स ऑफ है, तो उनके मुंह से मेरे लिए हैट्स ऑफ ये वर्ड निकलना ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है और आप बहुत सुरीली है ऐसे उन्होंने बोला था, तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है कि उनके मुंह से मैं ऐसे कुछ सुन रही हूं। यू नो काफी कॉम्प्लीमेंट्स के साथ साथ कुछ कुछ सोशल मीडिया पे बैकलैशेस भी मिले आप लोगों को, शो जब शुरुआती दौर में शुरू हुआ तो लोगों ने इतना पसंद किया, पहले के 3-4 महीने तो आप लोगों को इतना प्यार मिला, लेकिन अभी कुछ समय से क्रिटिसिज्म भी हो रही है, कुछ सोशल मीडिया पे लोग हैं जो खुश नहीं हैं। जब ऐसे क्रिटिसिज्म आपके कानों तक आते हैं साइली, आप और बाकी कंटेस्टेंट्स, आप लोगों के ऊपर क्या उस चीजों का प्रेशर बिल्ट होता है कभी? देखिए, जहाँ अच्छा हो रहा है वहाँ बुरा भी होगा ही ऐसा मुझे लगता है, मतलब और हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब दुनिया में इतने सारे लोग हैं, कोई एक जैसा नहीं है, और अगर आपको कुछ पसंद आता है तो शायद मुझे वो पसंद नहीं आ सकता, पर क्या हम उससे दुखी होंगे या तो ऐसे नहीं है, हम लोग तो एंड तक यही ट्राई करेंगे कि हम लोग जिनको नहीं पसंद आ रहा है उनका भी मन जीतने की कोशिश करें, बिकॉज हमारा ड्यूटी है, हमारा काम है कि हम हर एक का मन जीते, हर एक को एंटरटेन करें, तो फर्क तो हमें कभी नहीं पड़ा, ना ही किसी को भी नहीं पड़ा कभी भी कुछ भी फर्क, जो भी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई जो भी हुआ, उल्टा हम लोगों ने वो इतना पॉजिटिवली लिया, इसीलिए अभी भी हमारा शो नंबर 1 पे है। मतलब सबसे हाईएस्ट टीआरपी आती है इस शो की, मतलब लोग देख रहे हैं, अगर लोग कुछ बोल रहे हैं इसका मतलब लोग तो शो डेफिनेटली देख रहे हैं,
तो किसी ने कभी भी कोई भी चीज मन पे नहीं ली, बिकॉज सब लोगों को म्यूजिक में इतना ज्यादा रुचि है और म्यूजिक का इतना काम पसंद है कि ये सब चीजों के बारे में टाइम ही नहीं मिलता बात करने के लिए. और सभी लोग अपना यही ट्राई करते हैं कि जो भी नाखुश है या फिर जो भी डिसअपॉइंटेड है उनका हम हमारे गाने से मन जीत ले. पर कोई कभी ऐसा कमेंट आपने पढ़ा हो किसी कंटेस्टेंट के बारे में या आपके बारे में, किसी के भी बारे में, जो आपको बहुत चुभा हो और आपको लगा होगा कि यू नो आई नीड टू वर्क ऑन दिस, या आपने किसी कंटेस्टेंट का मोरल थोड़ा सा बढ़ाया? मैं तो हमेशा से यही सोचती हूँ कि अगर कोई हमारे बारे में लिख रहा है, वो अपना टाइम हमें दे रहा है, तो सबसे पहले बात तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि कोई अपना आपका इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमारे बारे में लेके कुछ भी अच्छा बुरा लिख रहे हैं. तो अगर कुछ बुरा लिखा है तो अगर लगता है ये इम्प्रूव करने जैसी बात है तो डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे. और मतलब क्रिटिसिज्म है, इसका मतलब ये है कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं या फिर हम लोग कुछ करने की दिशा में हैं, ऐसा मुझे हमेशा से लगता है. तो क्रिटिसिज्म्स आर ऑलवेज वेलकम, बिकॉज हमारे मराठी में एक कहावत है कि अगर आप सिर्फ अच्छा, मतलब निंदे का से घर असावे शेजारी, अगर आप सिर्फ अच्छा सुनोगे अपने बारे में तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप कहां गलत हो या आप बुरा कर रहे हो. पर ऐसे भी सभी लोग होने चाहिए कि जो हमें बताना चाहिए कि हाँ आप यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो, ताकि हम उस पे वर्क कर पाए. राइट. एंड टॉप सिक्स का आप हिस्सा है तो उसकी कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी है. जब भी मैं आई थी तो भी सिलेक्ट होना ही मेरे लिए, मैं होंगी कि नहीं ये इम्पॉसिबल सा लग रहा था. राइट. पर वो करते 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 ये 10 महीने का ऑलमोस्ट हमारा शो खत्म होने आ रहा है और मैं एक फाइनलिस्ट हूँ, ये मेरे लिए सपने से कम नहीं है. बिकॉज जब भी आई थी तभी सिलेक्ट भी होंगी कि नहीं ये कुछ पता नहीं था, पर अभी मैं ये इसका एक हिस्सा हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है, बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है, मतलब सपना ही है ये मेरे लिए. और शो को कितना मिस करने वाली हैं आप? और जब आपने जब शो में एंट्री आपने किया था, क्या आपको कभी अंदाजा था कि ये शो इतना लंबा चलेगा? नहीं, हमारा जितना शो लंबा चला उसमें तो 3 रियलिटी शोज खत्म हो जाते हैं. ऐसा यूजुअली होता है, इतना ही शेड्यूल रहता है. तो मिस तो मैं मेरे फेलो कंटेस्टेंट्स को बहुत ज्यादा करूंगी, बिकॉज सबके साथ एक फैमिली जैसा बन गया. बिकॉज 3 महीने होते तो इतना शायद अटैचमेंट नहीं होता, पर अभी 10 महीने से हम लोग साथ में रह रहे हैं, ऑडिशन के प्रोसेस से ही हम लोग सब साथ में हैं. तो उनके साथ इतना ज्यादा लगाव हो गया, मतलब ब्रेकफास्ट डिनर लंच से लेके म्यूजिक सेशन सब हमारे एक साथ होते हैं, जो सेट पे टाइम स्पेंड करते हैं वो सभी साथ में होता है. तो ये सब मिस करूंगी, सेट पे जाना मिस करूंगी, और जजेस को मिस करूंगी, और वो माहौल में रहना वो मिस करूंगी मैं बहुत ज्यादा. और आप सबके सामने जो मेरे जो दर्शक है जो मुझे सुनते हैं, जो मैसेजेस करते हैं, बहुत सारे DMs करते हैं, उन सबको मेरा गाना हर हफ्ते सुनाई, शायद टीवी पे नहीं देगा पर यस, मैं डेफिनेटली जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके थ्रू तो गाना सुनाऊंगी, पर ये सब चीजें बहुत मिस करूंगी. लास्टली, इंडियन आइडल का हिस्सा होने के बाद आपकी जिंदगी किस तरीके से चेंज हुई है साइली? और जब आप होम टाउन विजिट किया आपने, आप पेरेंट्स को मिली, फैमिली का, रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन रहा, किस तरीके से लाइफ चेंज हुई है? इंडियन आइडल ने सिर्फ मेरी नहीं, मेरे मॉम डैड की भी लाइफ चेंज कर दी है, बिकॉज मेरे मॉम डैड आर आल्सो इक्वली पॉपुलर मेरे जितने ही. तो जब भी मैं मेरे घर गई थी फॉर होम कमिंग शूट, वो इतना ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था. मतलब मेरा चुनाभट्टी के पूरे, ऑलमोस्ट मेरा पूरा चुनाभट्टी, मेरा जो गांव है वो पूरा जम गया था मुझसे मिलने के लिए. तो जिन लोगों में मैं बचपन से रही हूँ, जिनके साथ घर घर पे जाके जिनके खेली हूँ, वो सब लोग आज मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए खड़े हैं. मेरे लिए थोड़ा अलग ही था, मतलब अरे ये क्या हो गया ऐसे ज्यादा था. और सब लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत ज्यादा, मतलब इतना प्यार कभी किसी को कैसे मिल सकता है, इतना सर पे उठा रहे थे सब लोग मुझे, इतना ज्यादा प्यार जो कभी सोचा भी नहीं था. लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब वोट फॉर साइली यही चल रहा था पूरा टाइम, और सबकी यही इच्छा है कि कि वो ट्रॉफी मेरे हाथ में आए, और सब लोग पूरे लगे पड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं अपनी. तो वो सब देख के मुझे खुशी हुई कि सब लोग मुझे अपनी बेटी मान के, मतलब कोई अपने बेटी को जैसे सपोर्ट करेगा वैसे ही पूरा मेरा परिवार, मुझे परिवार, मेरा जो पूरा एरिया है सभी लोग मुझे वैसे ही सपोर्ट कर रहे हैं. एंड लाइफ कैसे चेंज हुई है, आगे जाकर आप क्या करना चाहते हैं, और फाइनेंशियली कितना सपोर्ट मिला है शो से आपको? तो
बहुत ज्यादा काम करना है आगे जाके, बहुत सारे शोज ऑलरेडी प्लान है, मतलब हम लोग का यूके टूर भी है, बहुत सारा शोज है, बहुत सारे रिकॉर्डिंग भी प्लान है, तो वो सब भी बहुत है, बिकॉज आइडल ने हमें मंच दिया, पर इसके बाद रियल वर्ल्ड शुरू होगा, इसके बाद एक्चुअली काम करना है, तो बस वही है कि अभी आगे जाके बहुत काम करना है। एंड फाइनेंशियली क्या सपोर्ट मिला है शो से? बहुत फाइनेंशियली अभी तक तो सपोर्ट नहीं मिला, फाइनेंशियली नहीं बोल सकते, पर लोगों का प्यार बहुत मिला है। फाइनेंशियली अभी इसके बाद होगा, जब हम लोग काम करेंगे तब फाइनेंशियली यस डेफिनेटली अर्निंग कुछ शुरू होगी, पर अभी तक तो हम लोग सिर्फ काम कर रहे हैं। हाँ, इसका फल आगे जाके मिलेगा। काफी बार रियलिटी शोज शुरुआत से लेकर अब तक काफी चेंज हुए हैं, आपने पहले भी कुछ शोज किए हुए हैं, बीच में कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई थी आपको लेकर कि जो शोज हैं वो फेक कंटेंट क्रिएट करते हैं, आप कुछ शो का हिस्सा रही हैं ये शो का भी और पहले भी, आपका क्या कहना है रियलिटी शोज कितना चेंज हुआ है, और जब ऐसी कंट्रोवर्सीज होती हैं कि जानबूझ के लव एंगल दिखाया जाता है, कंटेस्टेंट का बैकग्राउंड दिखाया जाता है, गरीबी दिखाई जाती है, आपको क्या कहना है इस बारे में? मुझे इस बारे में ये कहना है कि होता ऐसा है कि झूठ कुछ भी नहीं है, मतलब जितना मैंने देखा इस सीजन में, मुझे पहले आगे का बात का नहीं पता, पर जो मैंने देखा मुझे नहीं लगता कि हम लोगों में से किसी का भी अगर आंख में से आंसू आया तो वो झूठ आंसू है। हम लोगों में से आंसू आया आंख से और लोगों को वो पहुंचा, लोगों के मुझे मैसेजेस पे मैसेजेस आया कि किसी का भी देखे, और लोगों में जो दोस्ती है वो है, अभी है दोस्ती तो है, उसमें कुछ नहीं कर सकते, और बैकग्राउंड है, मतलब अभी जैसे मैं, मेरे माय डैड इज एम्बुलेंस ड्राइवर, तो वो है, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो वैसे ही है, और मेरा स्टोरी ऐसे ही है कि मैं ऐसी ही जगह से आई हूँ जहां से, मतलब हम लोगों ने बचपन से बहुत मेहनत करके, मेरे मॉम डैड ने बहुत मेहनत करके मुझे यहाँ तक पहुंचा, तो यहाँ वो वैसे है, तो झूठ नहीं बोल सकते मतलब किसी भी चीज को, पर मैं वापस यही बोलना चाहूंगी कि लोगों के ओपिनियन है, मतलब मैं हर एक को जाके एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मेरा लाइफ क्या है, तो मेरा जो है वो है, मतलब आपको वो कहां तक रियल लगता है वो अभी मैं आपको हर एक को नहीं एक्सप्लेन कर सकती, मतलब पर जो लोग इमोशंस पहचानते हैं वो ये भी जानते हैं और लोग कनेक्ट भी करते हैं, बिकॉज झूठ और सच का फर्क भी ऑडियंस को समझता है, मतलब जनता इतनी होशियार है कि उन्हें सब समझता है कि ये झूठ है या सच है, तो लोगों ने मुझे अब तक बहुत प्यार दिया है और आई होप ऐसे ही देते आएंगे, बिकॉज मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि नॉट ओनली मी बट जितने भी लोगों को मैंने देखा है ये इस सीजन में प्यार करते हुए या फिर रोते हुए, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, वो मुझे कुछ भी झूठ नहीं लगा और वो इतना अच्छा था, इसलिए लोगों से इतना कनेक्ट हुआ और लोगों ने हमें, हम सबको हमारी फैमिलीज को इतना एक्सेप्ट किया। एंड लास्टली ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगी जिन लोगों ने इतना प्यार दिया इतने महीनों तक आप लोगों को? मैं ऑडियंस को और मेरे दर्शकों को यही बोलना चाहूंगी कि आपके वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, कहाँ एक लड़की आई थी ऑडिशन में और कहाँ आपने उसको पहुंचा दिया, तो आपने अब तक मुझे बहुत प्यार और सपोर्ट दिया है, बहुत ज्यादा, तो अभी बस एक ही हफ्ता, मतलब एक ही वीक बाकी है, आप बहुत सारे वोट्स कीजिए मेरे लिए, 12 से 12 फिनाले होने वाला है, हर एक घंटे में आप मुझे 100 वोट्स कर सकते हैं सोनीलिव ऐप और firstcry.com को यूज करके, तो बहुत सारे वोट्स कीजिए, आपको मेरा गाना पसंद आता है तो बहुत 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 वोट्स कीजिए और मुझे डेफिनेटली जिताइए। थैंक यू सो मच साइली एंड ऑल द बेस्ट आपको शो के लिए भी और आगे के आपके फ्यूचर के लिए भी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।